कृष्णन, आज अपन देखेंगे लंबवर्तीय शंकु पे आधारित है क्वेश्चन। ये कहता है उस लंबवर्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु है। शीर्ष मूल बिंदु है, तथा वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जेड इज इक्वल टू ए बाय टू इसका आधार है। आधार साथ ही बिंदु बिंदु जीरो अंडर रूट थ्री बाय टू ए ए बाय टू पर शंकु का स्पर्श समतल ज्ञात करना है। इस बिंदु पे क्या ज्ञात करना है? स्पर्श समतल ज्ञात करना। तो अपने को उस लंबवर्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसका आधार यह है, आधार यह है और शीर्ष यह है। तो मूल शीर्ष से यानी मूल बिंदु से जीरो जीरो से गुजरने वाले रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या हो गया? एक्स माइनस जीरो अपॉन एल, वाई अपॉन एम, जेड अपॉन एन, ये उसकी जनक रेखा हो गई। यानी मूल बिंदु यानी शीर्ष से मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का। इसका आधार वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय टू तथा जेड इज इक्वल टू ए बाय टू। दिया गया है आधार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर जेड इजिकल टू ए बाय टू, ये इसका आधार दे रखा। तो जेड इजिकल टू ए बाय टू यानी ये हो गया एक्स अपॉन एल, वाई अपॉन एम, ए अपॉन टू एल, तथा इस पे बिंदु हो गया एल ए अपॉन टू एन, एम ए अपॉन टू एन, ए बाय टू इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। ये बिंदु आधार वक्र आधार दो को संतुष्ट करेगा यानी एल स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन यानी एल ए अपॉन टू एन का स्क्वायर प्लस एम ए अपॉन टू एन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समीकरण एक व तीन से एल एम एन का विलोप करने पर समीकरण एक व तीन से एल एम एन का विलोप करने पर एक्स ए अपॉन टू जेड का स्क्वायर प्लस वाई ए अपॉन टू जेड का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये उस लंबवर्तीय शंकु का समीकरण है जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो और दिया गया आधार वक्र ये। अब ये कहता है कि बिंदु बिंदु जीरो अंडर रूट थ्री बाय टू ए ए बाय टू पर स्पर्श समतल का समीकरण,
स्पर्श समतल का समीकरण। अपन जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई शंकु का बिंदु अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श समतल, स्पर्श समतल का समीकरण क्या होता है? एक्स ए अल्फा ए अल्फा प्लस बीटा एच प्लस जी गामा प्लस वाई अल्फा एच प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा प्लस जेड अल्फा जी प्लस बीटा एफ प्लस सी बीटा इजिकल टू जीरो। ये इस शंकु का बिंदु अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श समतल। इसे अपन देखें तो ए इजिकल टू वन बी इजिकल टू वन सी इजिकल टू माइनस थ्री एफ इजिकल टू जीरो इजिकल टू जी इजिकल टू एच अल्फा इजिकल टू जीरो बीटा इजिकल टू अंडर रूट थ्री बाई टू ए और गामा इजिकल टू ए बाई टू। ये मान अपन इसमें रखें तो इसके स्पर्श समतल का समीकरण हो गया अंडर रूट थ्री बाई टू ए वाई माइनस थ्री ए बाई टू जेड इजिकल टू जीरो और ये हो गया भाई ए वाई अंडर रूट थ्री बाई टू ए कॉमन आ जाएगा इसमें तो ये हो गया y माइनस अंडर रूट थ्री जेड इजिकल टू जीरो। इस पर से समतल का समीकरण। धन्यवाद।